तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध लगातार हो रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। इसके बाद विधानसभा के बाहर आपका प्रदर्शन चल रहा है, मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर पहुंचे हैं आपके विधायक, इसमें सौरभ भारद्वाज भी हैं, आतिशी भी आपको नजर आएंगी। और विधानसभा में कैसे अब बेड़ी पहनकर पहुंचे हैं आपके विधायक प्रवीण देशमुख, वो तस्वीर दिखाएंगे। पहले ये देखिए, दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रवीण देशमुख की, जो बेड़िया पहनकर पहुंचे हैं विधानसभा में, और इसी के साथ मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री। ये तस्वीर आप देख लीजिए, दोनों तस्वीरें कल आपने देखा था, पीएम आवास का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे। हालांकि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, आपका लगातार प्रदर्शन सड़कों पर जारी है। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन इसको लेकर कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। आप एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सबके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे, आप सबके पार्टी ऑफिस सील कर दोगे चुनाव की घोषणा के बाद। तो अगर आप विपक्ष पे इस तरह से हमला करेंगे तो विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगा, और अगर विपक्ष चुनाव नहीं लड़ सकता तो इस देश में लोकतंत्र कैसे बचा। आज ईडी की भी जगह जगह छापेमारी चल रही है, आम पार्टी की छापेमारी। देखिए ये क्या विडंबना है, इलेक्शन कमीशन जो एक नॉन पार्टिजन बॉडी होती है, विपक्ष के राज्यों में होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी बदल देती है, सारे अफसरों को बदल देती है, लेकिन ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के अध्यक्ष नहीं बदल सकती। जब तक चुनाव नहीं होता है क्यों इन इंस्टीट्यूशंस के, क्यों इन एजेंसीज के अध्यक्ष नहीं बदले जाते। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का विरोध आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी अड़ी हुई है, और यही कारण है कि जहां दिल्ली की सड़कों पर एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता विधायक आपको नजर आएंगे, तो दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कल वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग को लांघ कर कूदने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो फिर पानी की बौछार कर उन्हें पीछे खदेड़ा गया। और आज भी देखिए, हाथों में तख्तियां लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल है बीजेपी का, और ये कहना कि करप्शन के खिलाफ ये आवाज बुलंद करते रहेंगे। आप देखिए, पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचारी केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे हैं, और साथ ही अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है बीजेपी। तो इससे पहले आपने देखा, सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी तक मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर सड़कों पर थे, और कैसे बेड़िया पहनकर आपके विधायक विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन उसके इतर एक और तस्वीर दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही है, और वो है बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की, जिसमें अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है।